मेदिनीनगर शहर के महापौर अरुणा शंकर ने निगम में सफाई का जिम्मा उठाए 200 सफाई कर्मियों को इस बढ़ती ठंड में बचाव के लिए स्वेटर प्रदान की। महापौर ने यह कार्य अपने निजी खर्च से किया है। मौके पर उन्होंने बताया कि निगम की ओर से उन्हें 8,000 रुपये मानदेय मिलता है। 55 माह का मानदेय 4,40,000 मिला था। इसमें कुछ और पैसा जोड़कर उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन बैंक के संचालन समेत निगम क्षेत्र में कई स्थानों पर मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर बुजुर्गों को बैठने के लिए 170 सीमेंटेड बेंच लगवाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम तभी स्वच्छ हो पाएगा जब निगम के सफाई कर्मी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। निगम कर्मियों के बीच स्वेटर वितरण के दौरान मेयर ने कहा कि वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, इससे बेहतर मानदेय का सदुपयोग नहीं हो सकता था। साथ ही उन्होंने शहरवासियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि निगमवासियों ने मुझे जो सम्मान दिया है यही मेरा मानदेय है। आने वाले दिनों में निगम कर्मियों के लिए सोशल कॉरपोरेट फंड इकट्ठा करने की भी बातें उन्होंने कही, जिसके खर्च की रूपरेखा निगम के कर्मी और एसोसिएशन के पदाधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा, ताकि आकस्मिक अवस्था में किसी निगम कर्मी को कहीं हाथ न फैलाना पड़े। क्या हुआ, हाथ जल गई? टेंशन में है? क्यों, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ भाई, हाँ। भाई साहब, 2 किलो आलू दीजिएगा तो? हाँ बस, आलू का दुकान है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ भाई साहब, परेशान है? हाँ। याद नहीं रह रही है कोई चीज? हाँ। बच्चों के एडमिशन के लिए टेंशन में है? अरे हाँ भाई हाँ। परेशान है? हाँ। बच्चों के लिए स्कूल तलाश रहे हैं? अरे हाँ। एडमिशन नहीं हो रही है? अरे हाँ बाबा हाँ। अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।